थे नीतीश कुमार के तीन इक्के। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में हर दिन अपने घर बख्तियारपुर से पटना आया जाया करते थे। उनके साथ सांसद रहे विजय कृष्ण भी रोज पटना आते जाते थे। उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से, इस किताब में लिखते हैं कि नीतीश कुमार बख्तियारपुर और पटना रेलवे स्टेशन का मासिक पास बिना नागा हर महीने बनवा लिया करते थे। उन दिनों तमाम लोग मोकामा जंक्शन से पटना और बक्सर से पटना डेली नौकरी या फिर व्यवसाय करने के लिए आया करते थे। ये लोग सवेरे ही थ्री टायर की बोगी में अपने लिए इत्मीनान की जगह हथिया लेते थे। यहाँ तक कि रिजर्वेशन वाले यात्रियों को भी जगा देते और कहते कि उनका आरक्षण सिर्फ रात के 9 बजे से सवेरे 7 बजे तक ही मान्य है और उसके बाद ये लोग सफ़र करेंगे। उदयकांत लिखते हैं कि बिहार में ये परंपरा बहुत पुरानी रही है कि किसी भी बस या फिर ट्रेन के रुकते ही उसकी खिड़कियों से रुमाल, अंगोछा, छाता या ऐसी ही किसी चीज़ से सीट पर फेंक कर सीट छेक ली जाती है। इसे सीट लूटना कहा जाता था। नीतीश कुमार के दोस्त विजय कृष्ण उनके एक स्टेशन पहले से ट्रेन में सवार होते और नीतीश कुमार के लिए एक सीट रोक कर रखते थे, यानी छेक कर रखते थे। चूंकि नीतीश रोज ही यात्रा करते थे, इसलिए उस रूट पर चलने वाले ज्यादातर लोग उन्हें चेहरे से पहचानने लगे थे। ट्रेन में नीतीश कुमार के लिए रोज सीट सुरक्षित रखने वाली एक और टोली थी जो हमेशा ताश के पत्ते फेरते रहती थी या जुआ खेलते रहती थी। उन लोगों का नीतीश कुमार से कोई परिचय नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें नीतीश में क्या दिखता था कि उसे देखते ही सारे खिलाड़ी थोड़ा आगे हिलडुल कर उन्हें अपनी सीट पर एडजस्ट कर लेते थे। धीरे धीरे डेली पैसेंजर्स की भीड़ में शुमार नीतीश कुमार धीरे धीरे हर अन्य चीज की तरह ट्रेन यात्रा के भी विशेषज्ञ हो गए। जब भी उन्हें पटना से कहीं दूर जाना होता तो अपने जीजा से कहकर थ्री टायर की ऊपर वाली बर्थ रिजर्व करा लेते थे। उन दिनों उनके बैग में सामान के नाम पर कुछ किताबें, कुछ कपड़े, ओढ़ने और बिछाने की चादरों के अलावा डक बैग कंपनी का हवा भरकर फुलाने वाला तकिया जरूर होता था। सफर भर का खाना और पानी भी साथ लेकर चलते, पूरे सफर में अपनी किताबों की दुनिया में सिमटे रहते। समझ गए थे तीन इक्कों का महत्व। उदयकांत लिखते हैं अपनी किताब में कि नीतीश कई बार ट्रेन में ताश का खेल देखते। उन्हें और कुछ तो समझ में नहीं आता, पर जुआरी सहयात्रियों से ये जरूर समझ लिया था कि तीन पत्तों के खेल में तीन इक्के का हाथ में आ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें अंग्रेजी में 3 S's कहा जाता है। नीतीश ने खुद जीवन में कभी भी ताश के पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन हॉस्टल में ही जब यार दोस्त ताश खेलते तो नीतीश को जरूर अपने पास बिठाते, क्योंकि उन्हें भरोसा था नीतीश जिसके पास बैठेंगे वो जुए में जरूर जीतेगा। सीएम बनते ही चले थे तीन इक्के। उदयकांत ने अपनी किताब में लिखते हैं कि नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो अपने जुआरी सहयात्रियों और ताश के खेल को नहीं भूले थे। अपने शासन की नींव मजबूत करने के लिए उन्होंने तीन इक्कों, 3 S's का चुनाव किया। इन तीन इक्कों को भारी भरकम जिम्मेदारी सौंप दी गई। इन सब के नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होते थे। नीतीश ने शिक्षा विभाग की बागडोर तेज तरार अधिकारी अंजनी सिंह को सौंपी, जो पहले से ही बिहार सरकार में काम कर रहे थे। गृह विभाग की जिम्मेदारी दूसरे ए से नाम शुरू होने वाले बड़े जहीन और काबिल ऑफिसर अफजल अमानुल्लाह के हाथों में दी। उन्हें दिल्ली की प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया। इसी तरह पुलिस विभाग का जिम्मा अभियानंद को सौंपा, जो एक तरीके से नीतीश के मास्टर स्ट्रोक थे। अभियानंद भी उन दिनों प्रतिनियुक्ति पर बाहर थे। नीतीश कुमार के तीन तुरुप के इक्के अपने अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी दखलअंदाजी को बर्दाश्त करने वालों में नहीं थे। नीतीश ने उनको खुली छूट और संरक्षण दिया था। इसके बाद अभियानंद और अमानुल्लाह की जोड़ी ने अपराधियों की दुनिया में ऐसा गदर मचाया कि महीने भर में सारे शातिर बदमाश या तो सलाखों के पीछे नजर आए या अंडरग्राउंड हो गए। तो ये था नीतीश का तीन इक्का।